How to hide Facebook friend list in 2020 and 2021. आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है और अपनी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को किस तरीके से हाइड करना है. वेल बेसिकली जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है, बट एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक सोशल मीडिया अकाउंट एज अ फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है. तो यहाँ पर उनसे ही ये सारी मिस्टेक्स होती है, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स सिक्योरिटी वाली होती है वो इन्हें इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पर अपना फेसबुक पर जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें तो मेक श्योर कि आप अपनी प्राइवेसी का भी और अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें. तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जो सबसे मेन चीज आती है वो है कि आप अपने अकाउंट के साथ मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें आप हाइड करके रखें, जैसे कि जो अननोन यूजर्स है वो आपके अकाउंट पे प्रोफाइल पे विजिट करके आपके अकाउंट को मिसयूज ना करें. तो एक तरीके से वो उसमें से एक और लिस्ट है जो कि है अपने फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट. यस, तो मोस्ट ऑफ द यूजर आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में आके आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उन्हें मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ मिसयूज भी करते हैं. उनके प्रोफाइल में जाके उन्हें इनके डिटेल चेक इट आउट करते हैं, उनके प्रोफाइल फोटो के साथ मिसयूज करते हैं. आई होप आप समझ रहे में क्या कर रहे हो. तो ऐसे में बेटर है कि एज अ यूज़र आप अपने फ्रेंड लिस्ट को हाइड करके रखें, जिससे कि जो अननोन यूज़र है वो आपके फेसबुक प्रोफाइल पर आके आपके अकाउंट के साथ में ज़्यादा मिसयूज ना कर पाए. तो फेसबुक में अपने फ्रेंड लिस्ट को हाइड करने के लिए आपको डायरेक्टली विजिट करना है फेसबुक एप्लीकेशन में, और यहाँ पे विजिट करना है अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर. सेटिंग ऑप्शन में विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा एक का प्राइवेसी सेटिंग्स का, एज यू कैन सी दैट. तो यह आप फेसबुक के एप्लीकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं या तो फेसबुक के ऐप जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे सिक्योरिटी वाले सेटिंग्स मिलेंगे. तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट. सो एज यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट. सो डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस आएंगे, पब्लिक, फ्रेंड्स और ओनली मी. तो ये डिफ़ॉल्ट बेसिस पे पब्लिक ऑप्शन पे सेट होगा. तो बेटर है कि आप इसको फ्रेंड्स ऑप्शन पे सेट करें, या तो इससे भी ज़्यादा बेटर है कि अगर आप इसको ओनली मी वाले ऑप्शन पे सेट करें. अगर आपने ओनली मी वाले ऑप्शन पे सेट रखा तो उसके बाद जो आपके फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है वो अननोन पर्सन तो देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन साथ साथ जो आपके फेसबुक के फ्रेंड्स हैं वो भी आपके फ्रेंड की लिस्ट को देख नहीं पाएंगे. तो बेटर है कि ये जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप हाइड या प्राइवेट ही करें, जिससे कि जो अननोन यूजर्स हैं वो आपके अकाउंट पे आके आपका मिसयूज ना कर पाए. तो मेरे केसेस में यहाँ पे मैं अपने फेसबुक के अकाउंट को यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योर रखता हूँ, और यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं वो सब में मैं उन्हें प्राइवेट ऑप्शन पर ही चूज़ करता हूँ, जिससे कि अननोन यूज़र्स मेरे अकाउंट पे आके कुछ भी मिसयूज नहीं करते हैं. तो मेक श्योर अगर आप अपने फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट को हाइड करके रखना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आपको यहाँ पे ओनली मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. ये एक तरीके से सिक्योरिटी में आता है. उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन है जो अप्लाई करना है, जो मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि है ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर. सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और स्पेसिफिकली अपना मोबाइल नंबर कभी भी शो नहीं करना, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए कह रहा हूँ. तो ईमेल एड्रेस को हाइड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जो आपने फ्रेंड लिस्ट को हाइड करने के लिए किया है. तो यहाँ पर भी आपको सेम के सेम ऑप्शन देखने को मिलता है. तो डिफ़ॉल्ट बेसिस पे एवरी वन वाले ऑप्शन पे सेट होता है, तो इसे आपको चेंज करके आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑप्शन पे सेट कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स ऑप्शन पे रख सकते हैं, या तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप इसको भी पूरी तरीके से कम्प्लीटली प्राइवेट कर दें ओनली मी वाले ऑप्शन पर चूज़ करके. जैसे आप सेट करेंगे तो इसके बाद आपके जो ईमेल एड्रेस है वो कोई भी नहीं देख पाएगा. सेम गोज़ टू द मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर में भी आपको यही सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. अगर आप अपने मोबाइल नंबर को पूरी तरीके से हाइड करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि इसे भी आप प्राइवेट कर दें ओनली मी वाले ऑप्शन को चूज़ करके, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ओनली मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो फेसबुक का जो मोबाइल नंबर है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा. तो वैसे तीनों के तरह एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हाइड रखना है. तो इसी तरीके से आपको अपने फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट को भी हाइड रखना है. आई होप यू लाइक इट.